एडियन खिलाफत न्यूज, खबरें आपकी, नजरिया हमारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं केटीएन खिलाफत न्यूज। मैं हूं अंकिता सिंह। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां पर अमौसी एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े भाई प्रहलाद मोदी लखनऊ पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि अमौसी एयरपोर्ट पर प्रहलाद मोदी का धरना अपने समर्थकों को हिरासत में लिए जाने के विरोध में शुरू हुआ है। प्रहलाद मोदी ने लखनऊ पुलिस की कार्यशैली पर बड़े गंभीर सवाल खड़े किए हैं और अपने समर्थकों को रिहा न करने पर अनशन की चेतावनी दे डाली है। केटीएन खिलाफत न्यूज पर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट तस्वीरों के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी लखनऊ से। आपको बता दें कि इससे पहले भी लखनऊ पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए जा चुके हैं, मगर प्रदेश की योगी सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दादाजी, आप यहाँ किस लिए बैठे हैं? मैं 4 तारीख को सुल्तानपुर के प्रोग्राम में और उसके बाद जौनपुर के प्रोग्राम में, इसके बाद प्रतापगढ़ के प्रोग्राम के लिए सामाजिक प्रोग्रामों में आया हूँ। यह आने के बाद मुझे पता लगा कि मुझे रिसीव करने के लिए जो कार्यकर आ रहे थे उन सबको लखनऊ पुलिस ने पकड़ लिया है और थाने में बिठा दिया है और उन लोगों पर मुकदमा दर्ज करने की कोशिश चल रही है। मैंने जाना, मुझे लगा कि जो मेरे बच्चे जेल में रहे और मैं मुक्त रहूं, ये ठीक नहीं है जी। मैं इसीलिए या तो उनको मुक्त करो, नहीं तो मैं एयरपोर्ट पे अनशन पर बैठ गया हूं और खाना पीना छोड़ दिया है। तो जब तक आपके पुलिस सर्विस ऑफिसर यहाँ है, वो बोलते हैं कि पीएमओ ऑफिस से आदेश है, मैं मांगता हूँ आदेश की कॉपी मुझे दो तो मैं न्याय के राह पे चल सकूं। लेकिन गुंडागर्दी करने से न तो यहाँ के शासन को लाभ होगा, न प्राइम मिनिस्टर के पीएमओ ऑफिस को लाभ होगा जी। तो जब तक आपके साथियों को रिहा नहीं किया जाता, तब तक आपका कहना है कि आप यहाँ से उठेंगे नहीं? यहाँ से उठूंगा नहीं और अंदर जेल का त्याग कर दिया है। तो आपके कितने साथियों को कहाँ कहाँ से गिरफ्तार किया गया है? वो तो कई साथी आ रहे थे, करीबन 100 से ऊपर होंगे जी। और सबकी गाड़ियां भी कब्जे कर लिया पुलिस ने, ऐसे ऐसे संज्ञा मुझे मिली है। और मेरे बच्चे जब तक जेल में रहेंगे तब तक मैं यहाँ ही रहूंगा। जो अभी पुलिस ने मुझे बताया कि पीएमओ ऑफिस से आदेश है, मुझे आदेश की कॉपी चाहिए जी। तो अभी आपका यहाँ से आगे जाने का क्या प्रोग्राम था? मेरा यहाँ से जाने का था प्रयागराज और रात को वापिस आना था। फिर कल मेरा प्रोग्राम रेगुलर चालू होने वाला था, लेकिन पुलिस की दिक्कत के कारण उसमें कुछ बाधा आ गई है। लेकिन जब तक पुलिस मुझे आदेश की कॉपी नहीं देगी तब तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसका भी हाल दिखा दूंगा कि देश में न्याय है। दादाजी, आप सुल्तानपुर भी जाने वाले हैं? हाँ, मेरे को सुल्तानपुर का ही प्रोग्राम फर्स्ट था जी। जी धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पे भारी बैरिकेटिंग की जा रही है और इनके सभी साथियों को धीरे धीरे करके पुलिस बल द्वारा गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे कुछ बचे खुचे साथी जो आए हैं, इनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है, कभी भी इनको गिरफ्तार किया जा सकता है। फिलहाल शांति व्यवस्था यहाँ बनी हुई है और जो भी साथी इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, वो दादा से मिलने के लिए यहाँ पहुँच सकते हैं। धन्यवाद।